हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ हिंदी के ग्रामर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। और ये क्वेश्चन हमारा है कोश को लेके। कोश है क्या? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे कोश क्या होता है। कोश को हम इंग्लिश में कहते हैं डिक्शनरी, ठीक है। कोश क्या होता है? जब हमें किसी वर्ड, कोई शब्द को अगर जानना होता है, उसके अर्थ के बारे में जानना होता है, तो हम कोश के द्वारा उसे ढूंढते हैं। कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी शब्द को जानना चाहता है, उसकी बारीकियों को पहचानना चाहता है, तो वो कोश का प्रयोग करता है। सिर्फ कोश में हम उसका अर्थ ही नहीं जानते, बल्कि उसके प्रयोग के बारे में भी जानते हैं, उसकी तुलना करके भी हम उसे जानते हैं, ठीक है। तो कोश जो होता है, वो अर्थों के अलावा हमें बहुत चीजें बताता है। तो कोश का पहले हम जो कोश की बात करते थे, कोश का मतलब क्या होता था? दो प्रकार के कोश होते हैं, एक कोश और दूसरा कोश, ठीक है। तो इन दोनों का ही अर्थ होता था कटोरा, बाल्टी, म्यान, बादल, संदूक। कहने का मतलब है, जो ये कटोरा होता है, फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं कि कटोरे में हम कोई भी वस्तु रख सकते हैं, तो किसी चीज का हम संग्रह कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे कोश में क्या होता है, बहुत सारी शब्दों का संग्रह किया जाता है, बहुत सारी शब्दों को हम उसमें इकट्ठा करके लिख देते हैं। उसी तरीके से जैसे हम कटोरे में कोई सामान रख सकते हैं, वैसे ही हम कोश में बहुत सारे शब्दों को रख सकते हैं, ठीक है। ये तो इसका पहले का मीनिंग था, लेकिन जैसे जैसे 20वीं शताब्दी आई, तो इनका मीनिंग चेंज हो गया। पहले जो कोश होता है, इस कोश का जो मतलब है वो है खजाना, और दूसरे वाले कोश का मतलब क्या होता है? शब्द कोश, मतलब डिक्शनरी। तो हमें पता है कि अंग्रेजी में हम कोश को क्या बोलते हैं? डिक्शनरी कहते हैं। और डिक्शनरी जो वर्ड है, वो लैटिन भाषा की डेक्री शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना ये? डेक्री शब्द से, जिसका मीनिंग होता है कहना या बोलना। मतलब क्या हुआ कि कहे गए और जो बोले गए जो शब्द होते हैं, वो उनका संग्रह क्या कहलाता है? डिक्शनरी कहलाता है। तो अब इसकी मीनिंग को हम थोड़ा और डीपली समझेंगे। बहुत लोगों ने इसकी अलग अलग मीनिंग्स दी है। तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसने कहा कि कोश एक पुस्तक है जिसमें क्या होता है कि वर्णों के अनुसार, मतलब आ आ ई ई, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भाषा के शब्दों को लिखा जाता है, ठीक है। कोश वह पुस्तक है जिसमें समानता वर्णानुक्रम से शब्दों के अर्थों को लिखा जाता है। ये तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार था। अब हमारा आता है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इन्होंने अलग डेफिनेशन दी। इन्होंने बताया कि कोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भाषा के शब्दों के अर्थ या तो उसी भाषा में दिए होंगे या किसी अन्य भाषा में दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हिंदी का कोई वर्ड है, तो उसकी मीनिंग इंग्लिश में भी दे सकते हैं वो, या फिर उसकी मीनिंग को वो हिंदी में ही दे देते हैं, ठीक है। तो सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है कोश को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोश जो है बहुत ही प्रकार के होते हैं। किसी किसी कोश में सिर्फ शब्दों के अर्थ दिए होते हैं, लेकिन किसी किसी कोश में क्या होता है, उसके पर्यायवाची शब्द भी दिए होते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं? पर्याय कोश, ठीक है। और कोई कोई कोश ऐसे होते हैं जिसमें मुहावरे भी दिए होते हैं और लोक्तियां भी दी होती है, तो हम उसे कहते हैं मुहावरे और लोकाक्ति कोश। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे हम कोश में शब्दों का वर्णानुक्रम। हमें पता है कि किसी भी डिक्शनरी में वर्ड्स जो होते हैं, ये शब्द दिए होते हैं, वो वर्णों के अनुसार दिए होते हैं। पहले आ वाले वर्ड आएंगे, फिर बड़ी आ वाले, फिर ई, फिर उ, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट, उसका अक्षर जो होता है, फर्स्ट वर्ण, फर्स्ट लेटर। अगर जैसे दो वर्ड है हमारे सामने, आकार है और दूसरा वर्ड है हमारे सामने आसमान, तो पहले जो वर्ड होगा हमारी डिक्शनरी में वो आकार होगा, क्योंकि उसका जो सेकंड वर्ड है क है, और जो आसमान में दूसरा वर्ड क्या है? स है, तो पहले आकार आएगा। तो इन चीजों का भी कोश में बहुत ही ध्यान रखा जाता है। इसके बाद कोश में हम चंद्र बिंदु, मात्राओं, इन सबको भी बहुत ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी ये बात हो गई। अब आगे हम इसकी बात करेंगे, कोशों के प्रकार की बात करते हैं। कोश के प्रकार से पहले हम कोश के भेद को जानेंगे, तभी हम कोश के प्रकार को समझ सकते हैं, ठीक है। कोश के भी क्या होते हैं? तीन भेद होते हैं, एक व्यक्ति कोश, पुस्तक कोश, भाषा कोश। व्यक्ति कोश क्या होता है? किसी एक व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति मान लो, जिससे कि तुलसीदास हो गए, शेक्सपियर हो गए, ये क्या होते हैं? ये साहित्य लिखते हैं, तो ये साहित्य में बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे कठिन शब्द आते हैं, तो इनके द्वारा भी एक कोश बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं हम व्यक्ति कोश, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जिसमें साहित्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं, उसका एक कोश बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं व्यक्ति कोश। दूसरा कोश होता है हमारा पुस्तक कोश, कि एक बुक के लिए, एक पुस्तक में जो भी कठिन शब्द आते हैं, उसके लिए एक अलग कोश बनाया जाता है, एक अलग डिक्शनरी बनाई जाती है, जिसमें सिर्फ उसी बुक के जो
कठिन शब्द होते हैं उसको लिखा जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, पुस्तक कोश। एक कोश और आता है हमारा, वो होता है भाषा कोश। मतलब एक भाषा या बोली के जो कठिन शब्द होते हैं उसके अर्थों को उस कोश में लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं भाषा कोश। लेकिन अब भाषा कोश जो है इसे हमें और समझना है। भाषा कोश के बहुत से प्रकार भी होते हैं, ठीक है, जैसे हिंदी हिंदी या अंग्रेजी अंग्रेजी शब्द कोश, इसके बहुत से शब्द कोश भी होते हैं। तो भाषा कोश के प्रकार की बात करते हैं। भाषा कोश का जो पहला प्रकार होता है वो क्या होता है, वर्णनात्मक, ठीक है, जिसमें वर्णनात्मक कोश की बात करेंगे। इस कोश में उन शब्दों को प्रतिबंधित किया जाता है, मतलब उन शब्दों की बात की जाती है जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके एक से अधिक मीनिंग निकलते हैं, तो इनको प्रयोग के आधार पर, जैसे जैसे इनका प्रयोग शुरू हुआ था उसके आधार पर इनको डिक्शनरी में जगह दी जाती है। जैसे कि हमें पता है कि एग्जाम्पल हमने लिया था कि पहले कोश को हम जो मीनिंग था क्या था, वो बाल्टी था, बादल था, ये सारी चीजें थी। लेकिन अब कोश का मीनिंग बदल गया, खजाना हो गया, शब्द कोश हो गया। तो पहले हमने उसका मीनिंग क्या था, बाल्टी था, तो हम उसके अपनी डिक्शनरी में से इस तरीके से ही रखेंगे, प्रयोग के आधार पर इसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था वर्णात्मक कोश। नेक्स्ट हमारा कोश है ऐतिहासिक कोश। इसमें क्या होता है, कोई भी वर्ड होता है, कोई भी शब्द होता है, उसका विभिन्न कालों में प्रयोग होता है, ठीक है, और सभी कालों में उसका मीनिंग भी होता है, बदलता जाता है। तो उसके मीनिंग को उसके कालों के आधार पर इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा कोश है तुलनात्मक कोश। इसमें दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है, और ये कोश जो होता है इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। अब बात करेंगे हिंदी हिंदी शब्द कोश की। हिंदी हिंदी शब्द कोश, ये कोश होता है एक भाषी होता है, मतलब इसमें बस हम एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हिंदी शब्द का अर्थ भी हिंदी में ही दिया जाता है, इसके जो प्रयोग बताए जाते हैं वो भी हिंदी में होते हैं, इसके पर्यायवाची ये सभी चीजें क्या होते हैं, हिंदी में ही इसमें लिखे जाते हैं। तो ये एक भाषी कोश होता है, और इसका जो वर्णानुक्रम होता है, मतलब इसको वर्णों से लगाया जाता है, हिंदी के अकॉर्डिंग ही इसे हम सीरियल वाइज इसे लिखते हैं। आगे जो भी इसमें क्या होता है कि सारे क्षेत्रों में जैसे भी इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, सभी क्षेत्रों में इसके प्रयोग को इसमें लिखा जाता है। इसके अलावा उस शब्द को कौन सा व्याकरण है, मतलब वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये सभी चीजों का भी उसमें विश्लेषण किया जाता है, उस कोश में इन चीजों को भी बताया जाता है, या फिर मुहावरे उदाहरण सारी जानकारी हमें कोश में मिल जाती है। तो ये तो बात करी हमने हिंदी हिंदी कोश की। अब बात करेंगे हम हिंदी अंग्रेजी शब्द कोश की। ये द्विभाषी शब्द कोश होता है, क्योंकि इसमें दो भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं हम, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। तो हिंदी का इसमें शब्द होता है और अर्थ जो होता है वो इसमें इसमें इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। तो इसमें उच्चारण भी बताया जाता है, और जो इसको जो सीरियल वाइज रखा जाता है कोश में वर्ण के अनुसार, इसे हिंदी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, क्योंकि हम इसमें हिंदी वर्ड का मीनिंग जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसके अलावा इसमें व्याकरणों को भी समझाया जाता है। इस कोश में क्या होता है कि हिंदी भाषा के शब्दों को अंग्रेजी भाषा में पूरी तरह स्पष्ट किया जाता है, और ये जो कोश था इसका निर्माण 18वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। इस कोश का निर्माण किन्होंने किया था, जो अहिंदी भाषा के थे, जिन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं था शायद, और ये जो थे वो थे पैट्रिक थे, हैरिस थे। तो ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक।